कोरोना संक्रमण के मामलों में वृद्धि के बीच उत्तराखंड समेत देश भर से राहत की खबर भी है। देश में आज पहली बार ऐसा हुआ है जब कोरोना से ठीक होने वालों का आंकड़ा कोरोना के कुल संक्रमितों की संख्या से अधिक हो गया है। रिकवरी रेट में सुधार का यह सिलसिला उत्तराखंड में भी तेज हुआ है और यहां आज कोरोना मरीजों के ठीक होने का प्रतिशत 51.79 पहुंच गया है। वहीं दोपहर में जारी हेल्थ बुलेटिन के अनुसार आज 23 और लोगों में कोरोना संक्रमण की पुष्टि हुई है। राज्य में अब कोरोना मरीजों की संख्या बढ़कर 1,560 हो गई है। प्रदेश में अब एक्टिव केसों की संख्या 730 जबकि रिकवरी होने वाले लोगों की संख्या 808 पहुंच गई है। आज सामने आए मामलों में देहरादून और नैनीताल जिले में 6-6, उधमसिंह नगर जिले में 4, हरिद्वार में 3, टिहरी गढ़वाल में 2 और पौड़ी व उत्तरकाशी जिले में 1-1 केस शामिल है। इसी बीच आज सुबह एम्स ऋषिकेश में भर्ती एक कोरोना संक्रमित मरीज की मृत्यु हो गई। एम्स में कोविड के नोडल ऑफिसर डॉ मधुर उनियाल ने बताया कि उत्तर प्रदेश के नजीबाबाद निवासी व्यक्ति को 7 जून को निमोनिया और सांस लेने में तकलीफ के बाद एम्स में भर्ती किया गया था। पिछले 24 घंटों में एम्स ऋषिकेश में एक 48 व्यक्ति मरीज की मृत्यु हुई है। ये व्यक्ति नजीबाबाद बिजनौर के रहने वाले थे। यह 7 जून को हमारे पास सांस लेने में अत्यधिक तकलीफ के कारण भर्ती हुए थे। भर्ती होते ही इमरजेंसी डिपार्टमेंट में इनको इंट्यूबेट कर दिया गया था और वेंटिलेटर पर डाल दिया गया था। इनको निमोनिया विद एआरडीएस था जिसकी डायग्नोसिस हम लोगों ने टेस्ट के बाद कंफर्म की थी। यह व्यक्ति पहले से ही हृदय रोग से ग्रसित थे। इन्हें हाइपरटेंशन एवं सीएचएफ कंजेस्टिव हार्ट फेलियर की बीमारी पहले से ही थी।